हेलो दोस्तों, नमस्ते। नॉवल स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अग्निवीर आर्मी वालों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि खत्म को करने का हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देखिए। पहला क्वेश्चन, 3 + 2x = 27 / 1/3 + 64 / 1/2 में x का मान ज्ञात करना है। तो 3 + 2 / x, 27 को मैं कितनी बार खोल सकता हूँ, 3 / 3 में आप खोल सकते हो 27 को, 1/3 + 64 को 8/2, ऐसा खोलना है जैसे ये 2 से 2 कट जाए, 1/2, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2x बराबर 3 + 8। आगे लिख सकता हूँ मैं 3 + 2x इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 11। जगह कम होने की वजह से आगे चलते हैं, 3 इधर जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2x = 8। और आगे चलते हैं, इसको खोलेंगे अब, 2x = 8 को मैं खोल सकता हूँ 2/3। ये वेस सेम करना है मुझे, वेस आधार मेरे समान हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 3। क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं हम। 1000 की पावर 1/2 भाग लगाया हुआ है, 1000 की पावर 3/4 बराबर है। देखिए यहाँ पर ये बेस हैं जो समान है, और ये भाग में दिया गया है, तो जब बेस समान हो और उनकी पावर अगर भाग में हो तो हम माइनस कर देते हैं। 1000 10000 की राशि है, और 1/2 - 3/4। अब यहाँ पर एक नियम को समझिए, आप इस बात को समझिए, यहाँ पर 1/2 - 3/4 मैं लिख सकता हूँ, 4 - 3 - 1/4, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10000 की पावर -1/4। 10000 की पावर -1/4 है, तो 10000 को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4। 1000 को मैं 10 की पावर 4 - 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, 10000 - 1, ये निकल के आ रहा है। अब देखिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नियम और होता है, उस बात को समझ लीजिए कि अगर x^-n अगर आपको दिया है, तो इसको, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम बटे में लिख सकते हैं x^n। 1 / x^n अगर नीचे ले आएंगे तो माइनस का ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से इसको भी आगे अपन लिख सकते हैं क्या, 1/10^5। यही इस बात का आंसर है, इतना ही छोड़ दीजिए। अगर ऑप्शन में इतना दिया तो इतना भी हो सकता है, और आगे भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, क्रॉस इनटू, ये हो जाएगा 3x - 9 = 6। अब माइनस का इधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x = 15। 3 × 15, तो x = कितना आ गया, 5। यही आंसर इस बात का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 5। ठीक है भाई, यदि 4320 / 2^a / 3^b / 5^c है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें, ए बी सी का आप मान ज्ञात करें, तो जो ये संख्या दी है, ये जो संख्या दी है, इसका आप 4 फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 41 20। सिंपल तरीके से बता देता हूँ, अग्निवीर आर्मी वाले जितने भी बंदे हैं वो देख लें इस बात को, 2 से काटा 3 1 6 0। ठीक है, फिर 2 से काटो, आप छोटे छोटे नंबरों से काटते रहिए, 1 0 8 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अपना इतना ही हो जाएगा, 160। फिर 2 से उड़ाइए, आराम से करते चलिए, 5 4 0। फिर 2 से काटो, 2 7 0 2 1 3 5। अब 3 से उड़ा दो, जगह कम है,
तीन से उड़ाओगे तो 3 चौक 12, 4 3 पहिए 15, फिर इसको 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रख लेता हूँ 45, 3 15, 3 से 3 पहिए 15, आराम आराम से पता चलिएगा। तो देखिए ये 2 के नंबर कितने आए अपने हमारे पास, इतने आ गए 3 एरा और 1 3 एरा 1 3 एरा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 8। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1 2 3, 8। 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 5 की पावर 1। तो हमारे ए बी सी, ए बी और हमारा सी कितना माना गया, ए का माना गया 5, बी का माना गया 3, सी का माना गया 1। तो यही हमारे आंसर। और अग्निवीर और आर्मी वालों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये दिया है आपको 15 इंटू रूट में 20, और इसके फैक्टर कर लो 5 इंटू 3, 5 की 15 इंटू इसको कितना लिख सकता हूँ, इसको सभी रूट में ले लो तो 5 इंटू 2 इंटू 2, जो जोड़ा है वो बाहर लगा लो, इसमें 5 5 के 2 तो 1 5 12 रहेगा, 2 2 के 1 5 2 10, 10 रूट 3 15 कितना बचा, 10 रूट 3, यही आंसर। 5 यहाँ से उठा लो, 2 यहाँ से उठा लो तो 5 2 10, 10 रूट 5, ठीक है। इसको करते हैं 6, इसका इंटू इसमें हो जाएगा बेटा, मूल बताने हैं 6x² + 6 = 13x, तो 6x² - 13x + 6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। तो a बराबर कितना है, a बराबर 6, b बराबर -13, c बराबर 6। अब एक फॉर्मूला होता है उस हिसाब से चलेंगे, यहाँ पर ले लो माइनस का v प्लस माइनस v² - 4ac / 2a, यहाँ लिख लीजिए माइनस का v, अब माइनस का 13 है तो माइनस का ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 13 प्लस माइनस और 13 का स्क्वायर - 4ac, 4 इंटू a कितना है 6 इंटू 6 / 2 इंटू 6, ये कितना है 13 + 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस ये कितना हो रहा है 144, ये 12। अब थोड़ी जगह कम बची हुई है इस वजह से यही कर लीजिए, 13 + √25/12, ठीक है। इस बात को समझने के लिए यही और कर लेते हैं, 13 + −5/12, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा 18 18/12, एक बार माइनस कर लो तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, अपना आएगा 8/12, यही दो मूल बाहर निकल के आए, यही अपना आंसर। इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अग्निवीर और आर्मी वालों के लिए स्पेशल है।